और इधर हाजीपुर लोकसभा सीट से आज चिराग पासवान अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन के दौरान एनडीए के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और नामांकन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। भाजपा के कई नेता शामिल होंगे और चिराग पासवान के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। तो इधर बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से आज चिराग पासवान अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। नामांकन के दौरान एनडीए के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। उनके समर्थन में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और उनके समर्थन में जनसभा भी होगी और लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, हाजीपुर सीट से आज चिराग पासवान अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कार्यक्रम है और नॉमिनेशन का क्या समय निर्धारित किया गया है? देखिए काजल, आज चिराग पासवान हाजीपुर से अपना नामांकन भरेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो शामिल होंगे। ये बड़ी बात है, जेपी नड्डा खुद आ रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो नेता है एनडीए के वो मौजूद रहेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद। इसके अलावा जो माँ है चिराग पासवान की, माँ अपनी रीना पासवान, वो भी नहीं आऊंगी। जो बहन और बच्चे है जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चिराग पासवान का आज नामांकन जो कार्यक्रम है वो हाजीपुर में होगा और यहाँ पर जेपी नड्डा की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए में वापसी के लिए जब पूरा बातचीत हो रही थी तो पूरा नेगोशिएशन जेपी नड्डा के द्वारा ही चिराग पासवान का किया गया था और इसलिए माना जा रहा है कि चिराग पासवान के नॉमिनेशन में जेपी नड्डा का आना काफी महत्वपूर्ण है। अभिषेक, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, चिराग पासवान अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से, भीड़ बढ़ने की उम्मीद है? देखिए प्रशासन जो नियम है उसके तहत 44 लागू होता है नॉमिनेशन के टाइम में, और नॉमिनेशन जहां होता है जो डीएम कार्यालय परिसर में, तो वहां पर आप बहुत भीड़ लेकर के नहीं जा सकते हैं, उसकी तैयारी पहले से रहती है। आप का जो भी कार्यक्रम है वो रोड शो करते हुए अपना नामांकन करने आते हैं तो तकरीबन 200 मीटर पहले ही सभी लोगों को रुक जाना होता है और कुछ लोग जिनका परमिशन होता है उस 5 लोगों के साथ आप नामांकन कार्यक्रम में जाएंगे और उसके बाद एक जनसभा का पासवान चौक के पास एक जनसभा आयोजन किया गया है जहां पर तमाम जो एनडीए के नेता है वो संबोधन करेंगे और एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव प्रचार की शुरुआत चिराग पासवान के लिए एनडीए के नेता आज से शुरू कर देंगे हाजीपुर में। अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया कि जेपी नड्डा पहुंच रहे, बहुत बड़े चेहरे हैं जेपी नड्डा, चिराग पासवान के नामांकन में पहुंच रहे, आपने कहा कि रोड शो भी होने जा रहा है, रोड शो में किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की ओर से, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले जितने भी नॉमिनेशंस हुए हैं उसमें ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है, तो क्या तैयारी की गई है? देखिए रोड शो का परमिशन लिया जाता है, बिना परमिशन के आप रोड शो नहीं कर सकते हैं। तो पार्टी की तरफ से आवेदन दिया जाता है डीएम ऑफिस में और वहां से रोड शो का परमिशन मिलता है। रोड शो का टाइम निर्धारित होता है ताकि उस वक्त जो तमाम जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तैनाती की जाती है। उसके अलावा जो पुलिस के जवान है वो तैनात रहते हैं ताकि आम आदमी को किसी तरह की परेशानी ना हो और जो भी नियम है उसके तहत पूरा काम किया जाता है और पूरे कार्यक्रम के दौरान मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है ताकि अगर कोई आचार संहिता उल्लंघन का मामला तय हो तो तुरंत उस पर मामला दर्ज किया जाता है। तो तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी है और जेपी नड्डा जो आ रहे हैं तो वाकई में तो ये कार्यक्रम बड़ा हो जाता है और इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। जी अभिषेक, फिलहाल इन जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है
वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।